हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी वेव्स का मिलना। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हम आपको क्लास 11th में भी पढ़ा चुके हैं। क्लास 11th में पढ़ा था कोई बात नहीं, इसीलिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आज हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको मिलेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी लाइट वेव्स का मिलना। अब YDSE में इंटरफेरेंस के बहुत से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्सेस। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आज का लेक्चर इंटरफेरेंस का आप ध्यान से देखोगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से पूरा इंटरफेरेंस हम आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा, जहां जहां हम बोले कि ये बात इंपॉर्टेंट है YDSE के लिए, वहां वहां बॉक्स बनाना और उन उन चीजों को लर्न कर लेना फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो भाई आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी वेव्स का मिलना। वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना। कहानी की शुरुआत होती है, मान लो ये कोई एक मीडियम है और इस मीडियम में कोई पार्टिकल है P, इस मीडियम में एक पार्टिकल P है और यहां से कोई एक वेव आई इस पार्टिकल के पास। हमारे सिलेबस में कैसी वेव है? हार्मोनिक वेव है। तो ये कोई हार्मोनिक वेव आई पार्टिकल P पे। अब ये P का क्या कराएगी? ये P का SHM कराएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मान लो यहां पार्टिकल P है, यहां से वेव आई, ये P को पकड़ेगी, नीचे ले जाएगी, बीच में लाएगी, ऊपर ले जाएगी, बीच में लाएगी, नीचे ले जाएगी, यानी P का होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल का SHM होने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस वेव। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मान लो उसी समय इधर से एक दूसरी वेव आ गई, अरे हाय 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 हाय, लो दूसरी वेव भी आ गई। कह देते हैं इस वेव की इक्वेशन है कुछ y1 और इस वेव की इक्वेशन है कुछ y2। अब पार्टिकल P परेशान किसकी बात माने, है ना? जैसे मान लो ये वाली वेव पार्टिकल से कह रही है ऊपर चलो, ये वाली वेव पार्टिकल से कह रही है नीचे चलो, पार्टिकल किधर जाए? तो ये डिसाइड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। घबराना नहीं है, क्या है नाम लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ टाटाणा सुपर पोजिशन, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, समझ लो, बहुत ही आसान। समझ लो ये वेव आती है पार्टिकल P से, कहती है चलो ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर। पार्टिकल ने कहा ठीक है, ऊपर चलते हैं 5 सेंटीमीटर। तब तक ये वेव भी आ गई, ये भी पार्टिकल से कहती है चलो ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर। अब पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसकी बात भी सुना, इसकी बात भी सुना, टोटल कितना ऊपर गया? 10 सेंटीमीटर। मान लो ये वेव पार्टिकल से कहती है ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर और ये वाली वेव कहती है ना तो नीचे चलो 5 सेंटीमीटर। अब पार्टिकल कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, है ना, 5 और 5 खत्म, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे रह जाएगा। मान लो ये वेव पार्टिकल से कहती है ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली वेव पार्टिकल से कहती है नीचे चलो 3 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, कितना? 2 सेंटीमीटर। सब समझ गया, जोड़ना घटाना है। So, principle of superposition use करते हैं to calculate the net displacement of particle, to calculate net displacement of particle। इसके ऊपर लगा लो vector sign, क्योंकि displacement है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, which is equals to the vector sum of the displacement produced by each wave alone। समझ में आ गया, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव अलोन। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 5 ऊपर, +5 +5 10 सेंटीमीटर। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 5 नीचे, +5 -5 0 सेंटीमीटर। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 3 नीचे, +5 -3 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स? वेव्स का मिलना।
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जब वेव्स मिलेंगी, मान लो इस कमरे में बहुत सारी वेव्स हैं और सब मिल गई, तो ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पार्टिकल इस वेव की बात भी मानेगा, इस वेव की बात भी मानेगा, इस वेव की बात भी मानेगा, अपना नेट डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि आओ जितना सबको डिस्प्लेसमेंट देना है दो, हम सबको जोड़ देंगे, कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे, कुछ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे। वेक्टर सम करना जरूरी है। अब जैसे आपके सिलेबस में तो हार्मोनिक वेव्स और सिंपल केस ऊपर नीचे वाला ही आएगा, बट कुछ केस ऐसा भी बन सकता है कि ये जो दो वेव है ऐसा डिस्प्लेसमेंट दे, मान लो वाई वन पार्टिकल से कहे ऊपर चलो 4 सेंटीमीटर और वाई टू पार्टिकल से कहे इस तरफ चलो 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है, तो 4 और 3 90 डिग्री पे, तो वेक्टर सम नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही कहानी हो, कैसी भी कहानी हो सकती है, ठीक है ना। वेक्टर सम करना है, बस याद रखना है 4 ऊपर 3 इधर, तो वेक्टर सम हो गया 5। खैर ये वाला केस आपको मिलेगा नहीं, आपको 99% केस में आपके सिलेबस में ऊपर नीचे वाला ही केस मिलने वाला है, ये पार्टिकल भी। क्लियर है? सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? किताब में जौं-जौं करके लिखा होता है, लिखा होता है व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव, व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द वेक्टर सम of the displacement produced by each wave alone. Clear? Clear? इसको अपनी भाषा में आप चाहो तो लिख लो। When there are more than one wave traveling in the same medium, then the net displacement of a particle is given by vector sum of the displacement produced by each wave alone. लिख लिया? लिख लो, लिख लो। अब सुनो, एक और बात कहता है principle of superposition। वो ये कहता है कि एक वेव को दूसरी वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मान लो y1 आया, पार्टिकल p से कहा 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, पार्टिकल ने कहा ठीक है। अब अचानक से मीडियम में y2 भी आ गई, दूसरी वेव भी, पर y2 के आने के बाद y1 की वजह से, फिर से y2 के आने के बाद y1 की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उतना ही होगा। भले ही y2 आके पार्टिकल से कह दे नीचे की तरफ चलो 3 सेंटीमीटर, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2, पर अभी भी पार्टिकल y1 की वजह से कितना ऊपर जा रहा? 5। यानी when there are more than one wave in a medium, each wave travels as if it is present alone. एक वेव को दूसरे वेव से फर्क नहीं पड़ता। y2 पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर नीचे ले जा रहा था, फिर y1 भी आ गया, अभी भी y2 पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ही नीचे ले जा रहा है। ये बात अलग है कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, पर y2 के डिस्प्लेसमेंट को y1 से फर्क नहीं पड़ा। पार्टिकल को फर्क पड़ रहा है पर वेव को फर्क नहीं पड़ रहा। ये वेव शुरू में भी 5 सेंटीमीटर उठा रही थी, अभी भी 5 सेंटीमीटर उठा रही, दूसरी वेव के आने से इसकी खुद की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पार्टिकल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेगा, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेव्स। हो सकता हो यहां 2 से ज्यादा वेव हो, उस केस में आप लिख दोगे, समझदार हो, y net is equals to जौजौ प्लस जौजौ प्लस जौजौ प्लस जौजौ, मतलब जितनी भी वेव्स हैं सबका वेक्टर सम कर लो डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दो बात समझ में आई, व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव, और दूसरी बात व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम ईच वेव ट्रैवल्स एज इफ इट इज प्रेजेंट अलोन। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, है ना, कब 5-5 जुड़ जाता है, कब माइनस हो जाता है, ये कैसे डिसाइड होगा वेव के केस में, ये डिसीजन लेना है। मैं मिटा रहे इसको, चलो अब ये डिसीजन लेना है कि कब डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, कब माइनस होगा। तो बच्चों ये डिसाइड करने के लिए कहानी आपको समझनी होगी फेज डिफरेंस की। चलो फेज डिफरेंस की कहानी के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अच्छा, हमें बात करनी है लाइट के इंटरफेरेंस की नेक्स्ट वीडियो से। तो मान लेते हैं अपने पास दो लाइट सोर्स हैं, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S1, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S2। एक टॉर्च पकड़ के आप खड़े हो, एक टॉर्च पकड़ के आपकी वो खड़ी है, वाह वाह टॉर्च का प्यार। अच्छा, और यहाँ मान लो कोई पार्टिकल P है,
एस वन से पार्टिकल पी थोड़ा पास में है, मान लेते हैं एक्स वन डिस्टेंस पे, और एस टू से पार्टिकल थोड़ा दूर है, मान लेते हैं एक्स टू डिस्टेंस पे, ठीक है। दोनों से जो पाथ है, हाँ हाँ वर्ड ध्यान से सुनो, दोनों से जो पाथ है, पॉइंट का जो पाथ है सोर्स से, वो अलग अलग है, एक से पास में है एक से दूर में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो जो S1 वाला सोर्स है, जो आप टॉर्च जला के बैठे हो, उसमें से जो वेव निकल रही, उसकी इक्वेशन है y1 is equals to a1 sin omega t plus kx, और इस सोर्स से जो वेव निकल रही वो है y2 is equals to a2 sin omega t plus kx। ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वेव का इक्वेशन होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, ये कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव, ये होता है टाइम। समझ में आ गया? फिर से यहां से, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड चीज है, अभी बताएंगे। टी होता है कितना टाइम, एक्स होता है कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स होता है कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वाई होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। खैर, अब ये दोनों वेव निकली पी की तरफ। अच्छा, जरा ध्यान देना, इन दोनों वेव में हमने कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, कि इनका एम्पलीट्यूड अलग है, चलो ठीक है, पर ओमेगा सेम है, के भी सेम है, हमने ओमेगा और के को सेम रखा है, जो कि आपके सिलेबस में 99% केसेस में सेम रहेगा। जब भी दो वेव्स का इंटरफेरेंस कराएगा, भले ही क्लास 11th हो क्लास 12th हो, ओमेगा और के 99% केस में सेम रहे। तो इन दोनों वेव्स का ओमेगा सेम है बच्चों, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही। अब ओमेगा सेम है तो एफ भी सेम होगा, तो इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अच्छा, ये दोनों वेव आप ध्यान से देखो तो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम तो सेम ही है, व्हाइट बोर्ड है या मीडियम तो अगर मीडियम सेम है तो वेव की स्पीड सेम होगी, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें निकल रही हैं, कच्चो समझ में नहीं आ रहा सर। देखो, जो वेव की स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, वेव पे नहीं, मीडियम पे। तो क्या चीज और सेम है? स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम है। अच्छा, ध्यान से देखो, इन दोनों वेव का के भी सेम लिया है आपने, आप बोलोगे दोनों वेव का क्या सेम है? के भी सेम है। बच्चों, जो के होता है वो होता है 2 पाई बटे लैम्डा, लैम्डा होती है वेवलेंथ, के होता है 2 पाई बटे लैम्डा। अब बच्चों, के सेम होगा तो लैम्डा भी सेम होगा, सो फाइनली यू कैन से, यहीं पे लिख देते हैं कि इन दोनों वेव्स का के कॉमा लैम्डा इज सेम, और कहीं आप बता दो के क्या होता है? 2 पाई बटे लैम्डा। इतनी बातें पहले आप समझो, इन दोनों वेव्स का अभी जरूरी है समझना, इन दोनों वेव्स का ओमेगा सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेव्स का ओमेगा सेम होता है तो ये दोनों वेव्स या ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी लिख लो कोहेरेंट सोर्स, ओमेगा सेम होने से क्या बन जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। कहां लिखते हैं यहां लिख देते हैं, ओमेगा सेम होने से कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। कोहेरेंट सोर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वाईडीएसी के लिए, थोड़ी देर बाद इसको हम डिटेल में समझाएंगे, अभी इसको छोड़। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम है वेव की, और के सेम है, और के सेम होने से वेवलेंथ भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल पे आ रही है दो वेव। अच्छा, ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? x1। तो इस वेव की यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? a1 sin omega t plus kx1, ठीक है। हमने क्या किया? हमने बोला कि t टाइम के बाद वेव यहां पहुंची, ठीक है, ये हम एक अजम्पशन मानते हैं कि t समय के बाद, आफ्टर टाइम t, वेव रीचेस, ऐसे आफ्टर टाइम टी हम निकालने जा रहे वाई नेट ऑफ पी,
टी टाइम के बाद हम पी का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ड्यू टू दीस टू वेव्स, तो ये वेव चली जाओ 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 एक्स वन डिस्टेंस, तो इसकी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और ये वेव चली एक्स टू डिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। अब पार्टिकल पे वाई वन भी है वाई टू भी है, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पढ़ लिया है आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y net will be equal to y1 vector plus y2 vector. This is the net displacement of particle due to this wave and due to this wave. क्या दोनों wave की कहानी same है? नहीं, अलग है. अलग क्यों है बच्चों? Because of the path difference. Because of the path difference. दोनों का जो path है वो अलग अलग है. S1 ने कम distance travel किया है और S2 वाले ने ज़्यादा distance travel. चलिए. अब हम y net लिखेंगे, so y net will be a1 sin omega t plus k x1 plus a2 sin omega t plus k x2. देखो wave wave की चीज confuse बहुत करती है, तो धीमे धीमे चलो। मैंने बोला कि मेरे पास दो sources of light हैं या sound हैं, कोई भी wave sources हैं। एक आपने पकड़ रखा है, एक आपकी उन्ने पकड़ रखा है। उन्ने मतलब आपकी बहन ने, ठीक है। तो दोनों ने टॉर्च चलाया, यहां से एक वेव निकली x1 डिस्टेंस और यहां से x2 डिस्टेंस। अब ये जो बंदा है इसको लाइट यहां से दिखाई पड़ेगी कि यहां से? दोनों दोनों का इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब हमने कहा यहां से जो वेव निकल रही है इक्वेशन, यहां से जो वेव निकल रही है इक्वेशन, ध्यान देना कि दोनों वेव का ओमेगा सेम रखा, ओमेगा सेम रखोगे तभी मस्त इंटरफेरेंस तभी मिलता है। अभी हम देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है, ब्राइट डार्क वो सबसे मस्त एकदम चमकीला एकदम सुंदर सा तभी मिलता है जब ओमेगा दोनों वेव का सेम हो, बार बार बोलूंगा मैं। और जब ओमेगा सेम है तो सोर्सेस कैसे कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। होता क्या अभी बात बताएंगे, अभी रटो। ओमेगा सेम तो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अच्छा, ओमेगा सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, मीडियम सेम तो स्पीड ऑफ वेव सेम, के हमने सेम दिया हुआ है, के सेम तो लैम्डा सेम, के इज 2 पाई बटे लैम्डा। फिर हमने कहा कि टी टाइम के बाद ये वेव भी यहां पहुंची, ये वेव भी यहां पहुंची, इस वेव की इक्वेशन बनी ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इसकी बनी ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। हमने कहा पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहा। यहां तक बात समझ में आई? पार्टिकल करेगा क्या? पार्टिकल करेगा एस एच एम, पार्टिकल करेगा एस एच एम। एक वेव भी एस एच एम करा रही, दूसरी भी एस एच एम करा रही, दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी पार्टिकल करेगा, पार्टिकल करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम। सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये वेव का इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखी गई है, t की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखी गई, तो अभी ये वेव है। x और t रखने पर ये एक एस एच एम बन जाएगा। आपने बोला t टाइम के बाद, x1 डिस्टेंस के बाद, x2 डिस्टेंस के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक गिवन पार्टिकल का? अब ये वेव नहीं है, अब ये पार्टिकल की कहानी है। बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि वेव क्या है, एसएचएम क्या? नाउ दिस इज एसएचएम, दिस इज नॉट वेव। भाई वेव क्या, टाइम और एक्स तो रखा ही है ना, तो चल रहा है, स्पेस टाइम में कहीं भी जा सकता था वो, पर अभी आपने स्पेस भी फिक्स कर दिया, टाइम भी फिक्स कर दिया, अब ये किसी पार्टिकल की बात हो रही है वेव की नहीं, कि वो पार्टिकल कैसा एसएचएम कर रहा। तो पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कर रहा, इट्स कॉम्बिनेशन, आई नो दैट, बट ये पार्टिकल कॉम्बिनेशन कर रहा है ऑफ एस एच एम। अब ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड ए वन, इसका ए टू, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होगी कहानी फेज डिफरेंस की। अब ये फेज डिफरेंस क्या चीज है, ये जो चीज लिखी होती है वेव के अंदर, ये जो चीज लिखी होती है साइन कॉस के बाद, यहां कॉस भी हो सकता है साइन भी हो सकता है, ये जो चीज लिखी होती है दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज। आप ध्यान से देखो, यहां पहुंचते पहुंचते इन दोनों वेव्स का फेज डिफर कर गया, शुरू में डिफरेंस नहीं था, यहां पहुंचते पहुंचते इन दोनों वेव्स का फेज डिफर कर गया। किस वजह से, किस वजह से, किस वजह से? बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस।
अगर दोनों की पाथ भी सेम होती, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर चलता, तो शायद इनका फेज भी सेम होता। पर पाथ डिफरेंस होने की वजह से इनका फेज भी डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब फेज डिफरेंस समझना जरूरी है तभी आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल पाओगे इसके एसएचएम का। सोचो अगर ये वेव ना होती, तो इसका एम्पलीट्यूड A1 होता, इस पार्टिकल का डुम 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 डुम। सोचो ये वेव ना होती तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A2 होता, है कहानी का कोई मतलब नहीं। पर अभी दोनों वेव आ गई, अब एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होगा, A1 माइनस A2 होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होगा। इस पार्टिकल का एक्चुअल एम्पलीट्यूड क्या है ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। दो वेव साथ में जुड़ेंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी कि 90 डिग्री पे हैं, ये सब डिपेंड करता है फेज डिफरेंस। तो अब कहानी आएगी फेज डिफरेंस की। मैं क्या मिटा लूं यहां से, क्या मिटा लूं जो सबसे कम इंपॉर्टेंट हो। ये चीजें आपने नोट कर ली है, ध्यान देना x2 बड़ा है x1 छोटा है, ये ध्यान देना, नोट कर लो इसको, अपनी मिटा दे, नोट कर लो फिर मिटा दे, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। काटा न था जो निकल गया, सूरज न था जो मैं ढल गया। निकाल ले, मिटा ले, निकाल लिख लिया, मिटा लेते चलो। हाँ तो भाई, तो ये हुई बात। अब हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस की, और जरूरी किस लिए है ये, ताकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिले। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, फेज डिफरेंस को हम बोलेंगे फाई। फेज डिफरेंस फाई, अपने आप बता दो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, एक के फेज में से दूसरे का फेज घटा दो, फेज डिफरेंस। किसका फेज बड़ा है आपको समझ में आ रहा है, इसका फेज बड़ा है क्योंकि x2 बड़ा है ना, बाकी सब तो सेम है, x2 बड़ा है। तो यहां से हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1, एक के फेज में से दूसरे का फेज हटा देने का। यहां से phi is equals to k x2 minus x1, बोलो ओमेगा टी मर गया, जयराम जी की, k x2 minus k x1 k कॉमन होगा। यहां से आप बोलोगे phi is equals to k को बोलते हैं, चलो k ही लिख लेते हैं, और x2 minus x1 को हमने बोला डेल्टा x, x2 minus x1 को बोला डेल्टा x, डेल्टा x होता है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, पाथ डिफरेंस की वजह से। अगर दोनों की पाथ सेम होती तो x1 x2 सेम होता तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस क्यों आ रहा, पाथ डिफरेंस है। k की वैल्यू रख दो 2π बटे लैम्डा इनटू डेल्टा x, इस पे बनेगा बॉक्स, इसको करेंगे याद, डेल्टा x हो गया पाथ डिफरेंस और फाई हो गया फेज डिफरेंस। इतनी बातें नोट करें, पहले छाप लें इसको, आ रहा है समझ में, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस। बहुत ही क्लियर बात थी, वेव के साइन कॉस में जो लगा उसको फेज बोलते हैं। दोनों वेव्स का फेज डिफर हो गया क्योंकि एक वेव कम चली एक वेव ज्यादा चली, यार ये फेज डिफरेंस है जैसा, थोड़ा फील लगा है, समझ में नहीं आ रहा है, रट के चले जाएंगे। देखो ऐसे समझो, हमारे फिजिक्स के टीचर थे मिश्रा सर थे, तो मिश्रा सर बताते थे कि स्कूल में थे, तो ठीक है इतना बताना काफी है। तो उन्होंने बताया था कि लेट इट बी एक्स, नाम नहीं, हाँ उन्होंने मुझको बताया, भूल जाओ, तो उन्होंने बताया था कि समझ लो ये दो सांप है, हैं क्या है सांप है, ये दोनों सांप एक साथ चल रहे हैं, नाग और नागिन एकदम साथ साथ, टी डी 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 टी डी 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 टी डी 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 डी, ये तो सर आप बस उसका ट्रक का वो बजा रहे हो हॉर्न, ऐसी बजाते ना हाईवे पे, खैर तो ये दोनों सांप एकदम सिंक्रोनाइज होके, एकदम सिंक्रोनाइज होके चले थे, कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे, मस्त सिंक्रोनाइज होके चल रहे थे, ठीक है भैया बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या हुआ, एक सांप ज्यादा डिस्टेंस चला, एक सांप कट डिस्टेंस चला, तो हो सकता है पी पॉइंट पहुंचने पर ये वाला सांप ऐसे नीचे जाना चाह रहा हो और ये वाला सांप ऐसे ऊपर जाना चाह रहा हो, ये है फेस का डिफरेंस। अगर पाथ का डिफरेंस नहीं होता तो दोनों साथ में ऊपर जाते, साथ में नीचे जाते, साथ में ऊपर जाते, साथ में नीचे जाते, और जब पार्टिकल पे पहुंचते तो दोनों सेम फेज में होते।
अगर शुरुआत में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये भी सुनो, शुरू में अगर एक साथ साथ किया है, मान लो शुरू में ये नाक जो वैसे चल रहा है और नागिन जो है वो ऐसे ऐसे चल रही है, नागिन पहले नीचे गई, नाक पहले ऊपर गया, तब तो शुरू से ही फेज डिफरेंस है, तब तो बात भूल जाओ। पर मान लो शुरू से फेज डिफरेंस नहीं है, शुरू से इन दोनों में बड़ा प्यार है, दोनों एकदम साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, पर पी पॉइंट पे पहुंचने पे इन पे फेज डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये कम डिस्टेंस चला एकदम बराबर, ये ज्यादा डिस्टेंस चल रही है। हो सकता हो यहां पहुंचते पहुंचते ये नीचे जाना चाहता हो, ये ऊपर, और ये आ गया फेज डिफरेंस। इसकी वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में कुछ कहानी बनेगी, या ए वन प्लस ए टू, ए वन माइनस ए टू, या हो सकता हो फेज डिफरेंस का भी रोल हो, इस एंगल का भी रोल हो। अब बात क्लियर हो रही है, बढ़िया समझ में आया नाग नागिन से? यही सब तो समझ में आता है सर, समझ गए। दोनों बराबर डिस्टेंस चलते थे, दोनों एकदम जैसे नाच रहे थे, एकदम इन स्टेप होते, अभी क्या हुआ आउट ऑफ स्टेप फॉल कर गए, है ना, ये अपनी स्टेप बराबर कर रहा है, ये देर में पहुंची वहां तक। हाँ शुरू में ही फेज डिफरेंस हो तब तो बात ही अलग है, तब तो फेज डिफरेंस रहेगा, सब डिपेंड करेगा इस पे, ये समझ लो पार्ट डिफरेंस पे, सब डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पे। हो सकता है इनके जो डांस मूव हो, इसको एक बार चक्कर काटना हो हर दो दो सेकंड पे, तो ये एक बार काट के पहुंचा हो, ये दो बार काट के पहुंची हो, दोनों हो सकता है वहां पहुंच के फिर इन फेज हो जाए, तो सब डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पे। पार्ट डिफरेंस से मिला फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से डिसाइड होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा एंड प्लीज फॉर द गॉड सेक जाके ये कहानी अपने टीचर्स को मत सुनाना सर, नाग नागिन जाके, सर व्हाट इज फेज डिफरेंस सर, टी नी 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 नी, डोंट डू दिस, इसको नोट कर लो वरना पिटोगे 11 12th में, इतना बुरा लगेगा ना, मिटा दो इसको, छाप लिया, मिटा रहे, छाप लिया ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, phi is equals to k delta x, 2 pi by lambda into delta x। चलो अब बात करते हैं कि इस पार्टिकल p का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, फेज डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा इन दोनों में से कौन सी वेव आगे है ये तो बता दो, फेज के टर्म्स में ये आगे है ना। अब देखो हम एक आपको शॉर्टकट बता रहे हैं दो SHM को जोड़ने का तरीका, इसको जो एक्चुअल तरीका है ना वो दो पन्ना ले लेगा, मतलब व्हाइट बोर्ड में भी दो बार लिखना पड़ेगा, इसका जो एक्चुअल तरीका है इनको ज्वाइन करके रिजल्टेंट इक्वेशन निकालने का बहुत लंबा तरीका है, बट हमने ही आपको कॉम्बिनेशन ऑफ SHM में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वही हम यूज करने जा रहे हैं। इसको हो सकता हो किताब में तुम देखो तो बहुत लंबा तरीका है, वो बोलेगा इसको ये साइन थीटा मान लो, इसको ये कॉस थीटा मान लो, बहुत लंबा, हम ये सब नहीं करेंगे, हम देखो बड़ा शॉर्ट में बताते हैं। इन दोनों में से छोटा फेस किसका है, इसका, तो पहले इसको बना लो, यहां पे मैंने बना लिया इसको, ये बना लिया ए, सबको वेक्टर आता है, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह आता है, बस हो गया, जिसका छोटा फेस है उसको पहले बना लिया, ये है ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये इससे कितना आगे है, फाई, फेज डिफरेंस कितना आगे है फाई, भाई ये वाला इससे कितना आगे है, के एक्स टू माइनस के एक्स वन, और उसी को तो आप फाई बोल रहे हो, तो आप फाई एंगल आगे बना लो ए टू, यहां से कितना आगे फाई एंगल, वेयर फाई स्टैंड्स फॉर के एक्स टू माइनस एक्स वन, इतना ही तो आगे है ना, ये के एक्स टू, उतना आगे बना लो ए टू। अब पैरेललोग्राम लॉ याद कर लो, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों का वेक्टर सम है। अरे बड़ा आसान हो गया, क्या करते थे यहां से ऐसे डुम 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 डुम, यहां से ऐसे डुम 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 डुम, यहां से बनाते थे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या होता था इसका फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सबको याद है, सो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, क्लियर, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका, पार्टिकल के SHM का। अब पार्टिकल के SHM की इक्वेशन भी मिल जाए तो क्या बात है, तो पार्टिकल के SHM की जो इक्वेशन मिलेगी, वाई नेट को मैं वाई आर लिख रहा हूं, वाई नेट को मैं वाई आर लिख रहा हूं, वो होगा ए आर साइन, आओ देखते हैं, यानी पार्टिकल इस पे जा रहा है, फिर से पहली वाली वेव इस पे जा रही है, दूसरी वाली वेव इस पे जा रही है, और पार्टिकल इस पे जा रहा है। पहली वाली वेव की इक्वेशन a1 sin omega t plus kx1, मतलब पहले वाले SHM की, दूसरे वाले का a2 sin omega t plus kx2,
अरे दोनों SHM है, combination of SHM. मैंने बोला ना अब ये SHM है क्योंकि T और X की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी है. अब ये वेव नहीं है. तो पहले वाले SHM A1 sin omega T plus KX, दूसरा A2 sin omega T plus KX2. ठीक यार, इसका भी A तो मिल गया है, चाहिए क्या ये sin वाला? अच्छा, AR A1 से कितना आगे है? मान लेते हैं AR A1 से थीटा एंगल आगे है. मान लेते हैं AR A1 से थीटा एंगल आगे. A1 की इक्वेशन क्या है? sin omega T plus KX1. A2 की क्या लिखी है आपने? sin omega T plus KX2. AR की क्या लिख सकते हो? sin omega T plus KX1 plus theta. अरे भाई यहां तक तो है ही omega T plus KX1, उससे कितना आगे है? theta. theta. ये omega T plus KX1 कितना आगे है? theta. तो plus theta. अब ये theta कैसे निकलेगा? अरे ये तो आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, tan theta is equals to A2 sin phi upon A1 plus A2 cos phi. पढ़ रखा है वेक्टर में, tan theta निकालने का तरीका B sin theta, B sin phi upon A plus B cos phi. ये तो पढ़ रखा होगा. तो ये आपको theta मिल गया, ये आपको AR मिल गया, ये आपको resultant SHM की equation. अच्छा यहां पे ये क्यों किया? देखो यहां तक ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, उससे कितना आगे? थीटा. क्लियर है? तो इसको नोट करें फिर आगे हम बात करते हैं इसी पे. छापे पहले इतनी चीजें. हाँ भाई, तो इतना नोट कर लिया. क्या क्या मिला आपको इसमें भाई? कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? ए आर है. कैसे निकला वो? दोनों एम्पलीट्यूड का एक तरह से वेक्टर सम किया है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू cos phi, where phi is the phase difference between the two SHM या two waves भी आप कह सकते हो, है ना भाई? एक omega t plus kx2 पे, एक omega t plus kx1 पे है. तो phase difference कितना है? phi kx2 minus kx1. और कितनी ऊपर जा रही है ये wave, या इसका phase कैसे निकालेंगे? SHM का wave बनी, इस SHM का phase कैसे निकालेंगे? तो omega t plus kx1 यहाँ तक हो चुका है, इससे theta और आगे चले. ओमेगा टी प्लस के एक्स वन हो चुका है, इससे थीटा और आगे. टैन थीटा निकालने का तरीका आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हो. कहां पे? ये आप पढ़ चुके हो वेक्टर्स में. अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अच्छा एक मिनट, जब कोहेरेंट सोर्सेज आपको समझाया जाए क्या होता है. कोहेरेंट सोर्सेज बहुत जरूरी है वाईडीएसी समझने के लिए. एक बढ़िया इंटरफेरेंस आपको तभी मिलेगा जब कोहेरेंट सोर्सेस हो. तो हेडिंग लगाएं कोहेरेंट सोर्सेस. अब देखो ये क्या चीज है. वही मान लो अपना एक सोर्स था S1, एक सोर्स था S2, ठीक है. यहां पॉइंट था P, यहां से वेव डुम 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 आई, यहां से दूसरी वेव डुम 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 आई. ये X1 डिस्टेंस चला, ये X2 डिस्टेंस चला. इस वाले वेव की इक्वेशन क्या थी अपनी? y1 is equals to a1 sin omega t plus kx. इसकी इक्वेशन क्या थी? y2 is equals to a2 sin omega t plus kx. t टाइम के बाद जब यहां पे पहुंची तो इसकी इक्वेशन हो गई a1 sin omega t plus kx1. इसकी हो गई a2 sin omega t plus kx2. अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस तभी होंगे जब ओमेगा सेम होगा. अभी आप कहोगे सर कोहेरेंट सोर्स होता क्या है? धीमे धीमे समझ में आएगा. थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों वेव्स का ओमेगा डिफरेंट है. थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों वेव्स का ओमेगा डिफरेंट है. मान लो ये ओमेगा वन टी, ये ओमेगा टू टी. तो यहां आके ये ओमेगा वन टी, ये ओमेगा. इस केस में जो इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस होगा, इस केस में इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा P पॉइंट पे आके, वो कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस. तो हम कह सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू T प्लस X2 माइनस X1 इनटू K. बोले यही होगा. इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, ओमेगा टी वाला टर्म इस बार कैंसिल नहीं होगा. यानी इस केस में हमने क्या कहा? हमने कहा कि कोहेरेंट सोर्स तभी होंगे जब ओमेगा सेम हो. और हमने कहा मान लेते हैं कि ओमेगा डिफरेंट है ओमेगा 1 ओमेगा 2.
हमने कहा कि ओमेगा डिफरेंट है तब फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करोगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी प्लस एक्स 2 माइनस एक्स 1 इनटू के। जरा ध्यान दो, ये जो फेज डिफरेंस है ये टाइम पे डिपेंड करेगा। ध्यान से देखो, ये जो फेज डिफरेंस है क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पिछली बार फेज डिफरेंस सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहा था, टाइम से मतलब ही नहीं था। अब इससे क्या होगा बच्चों? अब इससे ये होगा कि फेज डिफरेंस विद वेरी विद टाइम। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको याद हो, AR square is equals to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi। अब phi टाइम के साथ चेंज होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगा। भाई ये टाइम के साथ चेंज हुआ तो cos phi टाइम के साथ बदलेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ बदलेगा at a given place इस पॉइंट P पे। इस पॉइंट P का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वही वेरिएबल हो जाएगा। हाय 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 हाय, नहीं समझ में आया। सोच के देखो, अगर ये दोनों सेम होते तो ये टर्म पूरा गायब हो जाता और फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता। फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता, यानी समय चेंज होने पे फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, यानी कॉस फाई कांस्टेंट रहता। कॉस फाई समय चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं होता। यानी अगर किसी जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो हमेशा ज्यादा रहेगा, यानी किसी जगह पे अगर ब्राइट स्पॉट है तो वो हमेशा ब्राइट रहेगा, किसी स्पॉट पे अगर तेज साउंड सुनाई पड़ रहा है तो हमेशा तेज साउंड सुनाई पड़ेगा। भाई ब्राइटनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। What are coherent sources? वो sources जिनका omega same, अभी तो सिर्फ इतना बता रहे, अभी और डिटेल में चलेंगे, पर मैंने कहा जरा सोचते हैं कि omega different हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा। इस केस में जो फेज डिफरेंस आएगा वो टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। omega same होता तो ये टर्म जीरो, पर फेज अभी omega अलग अलग है तो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी cos phi टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी इसी जगह पर थोड़ी देर के लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, यानी सेम स्पॉट पे ब्राइट, सेम जगह पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर वहीं पे डार्क बन जाएगा। cos phi itself is variable now at a given point। हाय हाय हाय, देख अलग अलग पॉइंट पे बहुत जरूरी है, और स्कूल में नहीं पकड़ में आता है, अलग अलग पॉइंट पे cos phi का अलग होना समझ में आता है। अलग अलग पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ और होगी, x1 x2 का डिफरेंस अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग अलग पॉइंट पे फाई अलग अलग है वो ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे कॉस फाई अलग है सही है, अलग अलग पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है वो सही है। जैसे मान लो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, ये सही है। जहां मैक्सिमम है वहां ब्राइट, जहां मिनिमम है वहां डार्क, सही है। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न। पर अगर ओमेगा भी डिफरेंट हो गया तो फेज डिफरेंस विल डिपेंड अपॉन टाइम आल्सो, ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, यानी समय चेंज होने पे फेज डिफरेंस चेंज होगा, कॉस फाई चेंज होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होगा। किसी समय पे यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहीं पे ब्राइट, थोड़ी देर बाद रिजल्ट एम्पलीट्यूड क्यों, यहीं पे डार्क, तो कोई फिक्स्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा बढ़िया सा, ब्राइट डार्क ऐसा नहीं मिलेगा। जो पैटर्न होता है ब्राइट डार्क ब्राइट, वो नहीं मिलेगा, यहीं पे कभी ब्राइट हुआ, यहीं पे डार्क हुआ, यहीं पे ब्राइट, यहीं पे डार्क, और वो इतना तेज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता भी नहीं चला। तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग, जो वर्ड है बढ़िया नहीं, जो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व नहीं होगा अगर ओमेगा सेम नहीं हुआ। मैंने कहानी समझाई ओमेगा डिफरेंट करके, क्लियर हुआ है क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि यहां पे ब्राइट बने एक स्पॉट पे, हम ये चाहते हैं कि पी पे हमेशा ब्राइट बने, क्यू पे हमेशा डार्क बने, आर पे हमेशा डार्क बने, एस पे फिर से ब्राइट बने। हम चाहते हैं गिवन पोजिशन पे
जो इंटेंसिटी है, जो एम्पलीट्यूड है, वो फिक्स रहे कहां पे? एट अ गिवन प्लेस। वो समय के साथ वेरी, समय के साथ वेरी ना करे। वेरी पिया बड़ा बेदर्दी, ये टॉपिक भी बड़ा बेदर्दी। कोहेरेंट सोर्स फील आना चाहिए इसका। कोहेरेंट सोर्स मतलब ओमेगा से, अभी लिखेंगे डेफिनेशन भी। कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज व्हिच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम। कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज व्हिच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम, ये डेफिनेशन है। पर हम तो बता रहे कि ओमेगा डिफरेंट होने पे प्रॉब्लम क्या है। ओमेगा डिफरेंट होने पे प्रॉब्लम ये है कि फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर गया, कॉस वाई टाइम पे डिपेंड कर गया। किसी भी जगह का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समय पे डिपेंड कर रहा है। किसी समय पे एम्पलीट्यूड ज्यादा वहीं पे ब्राइट, किसी समय पे एम्पलीट्यूड कम वहीं पे डार्क। बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात? इसको मिटा रहे। अब डेफिनेशन लिखें कोहेरेंट सोर्सेस की। अब डेफिनेशन लिखें कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस विच हैव कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस एट अ गिवन पॉइंट विच डज नॉट वेरी विथ टाइम। हैज अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस which does not vary with time at a given point या at a given place। अब सही लग रही है। Coherent sources are those sources which have a constant phase। इनका phase difference बताओ। Omega same हो गया। अब बताओ phase difference कितना आ रहा है? Phi is equals to k x2 minus x1। ये phase difference किस पे depend कर रहा है? k पे 2 पाई बाय लैम्डा, तो वेवलेंथ तो कांस्टेंट है भाई। x2 x1 पे जो कि चेंज होगा पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ ना चेंज हो। यहां पे फेज डिफरेंस मान लो कुछ ऐसा आ रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, सही है, हमेशा मैक्सिमम रहने दो, समय के साथ ना चेंज हो यार यहां पे। अब बात समझ में आ गई है? मान लो यहां का जो फेज डिफरेंस है कुछ ऐसा आ रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, cos y कुछ ऐसा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो समय के साथ यहां पे एम्पलीट्यूड चेंज ना हो कि कभी मिनिमम हो। यही है कोहेरेंट सोर्सेस। दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विद टाइम एट अ गिवन प्लेस। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर जगह फेज डिफरेंस सेम हो, हर जगह अलग अलग होगा, पर जहां जो होगा वो हमेशा वही रहेगा, जहां जो होगा वो हमेशा वही रहेगा। जैसे मान लो यहां पे एम्पलीट्यूड आ रहा है दो, तो हमेशा दो रहे। यहां एम्पलीट्यूड आया जीरो, तो हमेशा जीरो रहे। यहां एम्पलीट्यूड जीरो, तो हमेशा जीरो रहे। यहां एम्पलीट्यूड दो, तो हमेशा दो रहे। समय के साथ चेंज नहीं हो। और इसको करने का तरीका क्या है? ओमेगा सेम कर दो। ओमेगा सेम करने से फेज डिफरेंस में ओमेगा टी कैंसिल, और फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉस फाई टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पे एक गहरा चिंतन करना, जितना हो सकता था मैंने कोहेरेंट सोर्सेस आपको समझाया, इसको बैठ के गहरा चिंतन करना मेरी बातों में। मिटा दें। चलो, सस्टेन इंटरफेरेंस की एक बड़ी बढ़िया कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेस, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके पहले आपको समझा देता हूं इंटेंसिटी का कंसेप्ट। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सारा खेल इंटेंसिटी का ही तो है। जिस जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो ब्राइट दिखता है, जिस जगह पे इंटेंसिटी कम वो डार्क। जहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा वहां पे लाउड सुनाई पड़ता है, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम होती है वहां पे लाउडनेस कम हो जाती है। जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वेव की, वो होती है 2 पाई एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो वी, 2 पाई एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो वी, where f is frequency, a is amplitude, rho is density of medium and v is the speed of wave in medium। जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने पूरा खेल खेला है उस पूरे खेल में मेरे ख्याल से डेंसिटी तो सेम रहेगी दोनों वेव्स की, मतलब दोनों वेव्स के लिए। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड ऑफ वेव भी सेम रहेगी,
सेम रीजन, मीडियम सेम है, तो दोनों वेव की जो इंटेंसिटी है वो ना डेंसिटी पे डिपेंड करने वाली है ना स्पीड पे डिपेंड करने वाली है, क्योंकि दोनों के लिए वो सेम है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी भी आपने खुद सेम कर दी जानबूझ के, ताकि सोर्स कैसे हो, कोहेरेंट हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा सेम किया तो एफ सेम हो गया, ये आपने जानबूझ के किया ताकि सोर्सेस कैसे हो, कोहेरेंट सोर्सेस हो। चलो कोहेरेंट सोर्सेस आर दोस सोर्सेस which have a constant phase difference which does not vary with time at a given place, clear है? यानी घुमा फिरा के जो बात हो रही है intensity ना इस पे depend कर रही, ना इस पे depend कर रही, ना इस पे depend कर रही, amplitude पे depend कर रही, और ये तो कुछ constant है। So can we write intensity is equals to some constant into a square? K भी लिख सकते थे, K नहीं लिखा क्योंकि K already एक constant हम खेल रहे हैं। I is equals to some C, K लिख देते हैं, चलो कोई नया K। Intensity is equals to ka square. ये wavelength वाला k नहीं है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि intensity is directly proportional to amplitude का square? सुन रखा होगा पहले भी। जरा हम resultant intensity की equation बनाते हैं। Resultant amplitude की equation क्या थी? ar square is equals to a1 square plus a2 square plus a1 a2 cos phi. यही थी? चलो एक काम करते हैं। Resultant intensity की equation बनाते हैं। मान लेते हैं जो दो सोर्सेज हैं S1, S2, यहां से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी I1, यहां से निकलने वाली वेव की इंटेंसिटी I2, और यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR। सारा खेल इंटेंसिटी का है। अगर दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो गई तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गई तो मिनिमम हो जाएगी, डार्क हो जाएगा। सो एक की I1 मान ली, एक की I2, रिजल्टेंट की IR। आओ तो AR स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? IR बटे के लिख सकते हैं। AR स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ की इंटेंसिटी IR है तो IR क्या होगी? K into AR स्क्वायर। AR will be, AR स्क्वायर will be, बोलो सही बोल रहा है। IR क्या होगा? IR will be K into AR का स्क्वायर। I1 will be K into A1 का स्क्वायर। I2 will be K into A2 का स्क्वायर। सब के लिए K सेम होगा क्योंकि डेंसिटी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेव्स की क्या है? सेम। Density, velocity, frequency, ये तो इन तीनों के लिए सेम दिख रही थी, ओमेगा सबका सेम था। हाँ, तो यहाँ से AR square इसको क्या लिख सकते हैं? IR बटे K, A1 square will be I1 बटे K, A2 square will be I2 बटे K, बोलो सही है? Plus अब आया, अच्छा यहाँ पे 2 था, 2 A1 into cos phi, plus 2 into A1, अब भैया A1 कितना होगा? Under root I1 बटे K, 2 into under root I1 बटे root K into A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा under root I2 बटे K, तो under root I2 बटे under root K और साथ में लगा दो cos phi। ये हम resultant intensity की equation बनाना चाह रहे हैं। बोलो समझ में आया? हमने बोला intensity क्या होती है? Directly proportional to amplitude का square provided all the other factors are same, which are same। डेंसिटी दोनों वेव्स के लिए सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम, फ्रीक्वेंसी सेम आपने खुद कर रखी है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया था उसके लिए भी मीडियम वही है, स्पीड वही रहेगी, ओमेगा वहां पे भी सेम था। फिर हमने कहा AR स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 A1 into cos phi, AR की जगह हमने IR बाय के, AR स्क्वायर की जगह IR बाय के, A1 स्क्वायर की जगह I1 बाय के, A2 स्क्वायर की जगह I2 बाय के, और 2 A1 into cos phi A1 की जगह रखा अंडर रूट I1 बाय के, A2 की जगह अंडर रूट I2 बाय के। क्लियर है सब? अच्छा यहां से देखो k k k और ये root k will become k again cancel, तो k k k root k k बन गया cancel। So IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है amplitude की equation और intensity की equation में, ध्यान देना। I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। Net amplitude का equation ये होता है, net intensity का ये, इनको मैंने box में लिखा है क्योंकि ये important है। AR square is equals to A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi and IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, under root I1 I2 cos phi, under root I1 I2 cos phi। Clear है ये कहानी इंटेंसिटी की?
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यही बात याद रखने वाली है इन सब में. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. क्लियर है इतना? अच्छा, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इंटेंसिटी पे एम्पलीट्यूड पे. पहले जरा इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके बाद वो आईआर और एआर पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे. पहले जरा इसको करते हैं. देखो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पे आई आर या ए आर मैक्सिमम हो, हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम. अब बच्चों आई आर या ए आर मैक्सिमम कैसे होंगे, ये दोनों डिपेंड करते हैं कॉस पाई पे. ध्यान से आई आर की इक्वेशन लिखो, आई आर इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस वाई. और ए आर की इक्वेशन लिखो तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस वाई. यानी दोनों ही चीज डिपेंड करती है कॉस वाई पे. तो जब कॉस वाई मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होंगे. सो हम बोल सकते हैं दैट कॉस वाई शुड बी मैक्सिमम. अब बच्चों cos phi मैक्सिमम कितना होता है? cos phi मैक्सिमम होता है प्लस वन. ऐसा बच्चों कब होगा? जब phi की वैल्यू कितनी हो, phi की वैल्यू कितनी हो जीरो डिग्री पे. फिर अगली बार कब होगा? टू पाई पे. अगली बार कब होगा? फोर पाई पे. अगली बार सिक्स पाई, सो ऑन एंड सो ऑन. मेरे ख्याल से टू एन पाई लिख सकते हैं, टू एन पाई है ना, मतलब इवन पाई. क्योंकि यहां पाई अगर ले लोगे 180 तो उस पे तो माइनस वन हो जाएगा. सो वी कैन राइट दैट फाई शुड बी इक्वल टू टू एन पाई. इस केस में कॉस फाई की वैल्यू वन होती है. ठीक है, चलो फेस डिफरेंस भी क्लियर हो गया हमको. ठीक, फेस डिफरेंस भी क्लियर हो गया कितना होना चाहिए, टू एन पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, जब ब्राइट स्पॉट हो. चौथी बात आती है पाथ डिफरेंस. फॉर्मूला याद है, phi is equals to 2 pi by lambda into delta x. हमें जानना है कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. तो यहां से डेल्टा x is equals to, आप बोल सकते हो lambda by 2 pi into phi. delta x is equals to lambda by 2 pi into phi. phi की वैल्यू कितनी है? 2n pi. यानी lambda upon 2 pi into 2n pi. यहां से 2 2 पाई पाई कैंसिल, n लैम्डा. डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा. डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा. डेल्टा x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू phi. ऐसे बोल सकते हैं phi इज इक्वल्स टू पाई. ठीक है, और phi की वैल्यू कितनी रखो? पहले जीरो रख के चेक कर लो. पहले जरा ऐसे वैल्यू भी चेक कर लो. phi की वैल्यू 0 रखो तो डेल्टा x कितना आया? 0. phi की वैल्यू 2 pi रखो, 2 pi 2 pi कैंसिल हो जाएगा लैम्डा. phi की वैल्यू 4 pi रखो, 4 pi रखोगे तो pi pi कैंसिल, 2 2 जा 4 2 लैम्डा. phi की वैल्यू 6 pi रखो तो pi pi कैंसिल, 2 3 जा 6 3 लैम्डा. तो ये मैं बोल रहा हूं phi की वैल्यू सीधा 2n pi रख के चेक करो. लैम्डा / 2 pi * 2n pi, 2 pi 2 pi कैंसिल, कितना आया? n लैम्डा. और n की शुरुआत कहां से करनी है? 0 से करनी है. यानी पाथ डिफरेंस इस केस में कितना होना चाहिए? n लैम्डा का होना चाहिए. वेयर n शुड स्टार्ट विद 0 देन +1 देन +2 देन +3. इंटीजर वैल्यूज लेनी है 0 से स्टार्ट करते हुए. दिखाई पड़ रहा है नीचे? बहुत बढ़िया, पूरा दिखाई पड़ रहा. क्लियर है इतनी बात? ये पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पाथ डिफरेंस जब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ब्राइट या लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा। अगर साउंड की बात करें, अभी तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखना है, तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा। फिर से मैं बात करता हूं कि इंटेंसिटी की इक्वेशन ये है, एम्पलीट्यूड की है, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फाइव पे, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फाइव पे, तो कॉस फाइव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी ये मैक्सिमम होंगे। कॉस फाइव मैक्सिमम कब होता है, जब फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, वन, और वन कब होता है, जब फाइव जीरो हो, टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स पाई हो, तो हमने लिखा टू एन पाई। हमने कहा पाथ डिफरेंस कितना है, भाई फेज डिफरेंस क्यों आया था, कंफ्यूज हो गया, फेज डिफरेंस क्यों आया था, पाथ डिफरेंस से, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई टू पाई, टू पाई की वैल्यू क्या था, टू पाई बाई लैम्डा इनटू ये वाला मान गया। हमने फाइव को जीरो रखा तो ये जीरो आ गया, हमने फाइव को टू पाई रखा तो ये लैम्डा आ गया, फाइव को फोर पाई रखा तो ये टू लैम्डा आ गया, थ्री लैम्डा, तो हमने बोल दिया एन लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू जीरो बाई टू थ्री। इस केस में आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस अभी और बताएंगे, कुछ और डिफरेंस है, पहले इतना देख लो। AR की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, IR की वैल्यू मिनिमम, डार्क स्पॉट मिलेगा, अभी और पॉइंट्स आएंगे, पहले इतना पढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो सेम ही रहेगा कि भाई IR और AR किस पे डिपेंड कर रहे हैं, cos phi पे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि cos phi अपना मिनिमम चाहिए, तो cos phi शुड बी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों माइनस वन। माइनस वन कब मिलेगी, जब phi 180 डिग्री हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, या 7 पाई हो, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, या इवन थे, सो वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू पाई। अब 2n प्लस 1 लिखो चाहे माइनस 1 लिखो, आपकी मर्जी है, n कहां से शुरू हो रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे यहां n स्टार्ट कर रहे थे आप 0 1 2, यहां n आप 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते। अब ध्यान से देखो भाई, ऑड लिखने का तरीका होता है 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1। माइनस 1 लिखा है तो n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करो, वेयर n शुड बी इक्वल टू 1 2 3, 1 रखोगे 2 1 2 माइनस 1 पाई, 2 रखोगे 2 4 माइनस 1 3 पाई। अगर फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई है दो वेव्स के बीच का, तो डेफिनेटली उस जगह पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फेज डिफरेंस कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू जरा पाई रख के देखो, पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाई टू। फाई की वैल्यू जरा थ्री पाई रख के देखो, थ्री पाई रखोगे, पाई पाई कैंसिल, थ्री लैम्डा बाई टू। फाई की वैल्यू जरा फाइव पाई रख के देखो, पाई पाई कैंसिल, फाइव लैम्डा बाई टू। कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर ऑड नंबर चल रहे हैं और लैम्डा बाई टू का मल्टीपल चल रहा है। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो सिंपल जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा, यहाँ ऊपर ऑड मल्टीपल चल रहा है, नीचे लैम्डा बाई टू चल रहा है, मतलब साथ में। चलो एक काम करते हैं, जनरल फॉर्मूला 2n माइनस 1 रख के देखते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा, 2 को बाहर रखते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये अच्छा लग रहा है, देखो कहाँ 2 अंदर भेज चुके हो, सही लग रहा है, देखो ये बढ़िया है, तो समझ में भी आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है क्या, कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल हो तब मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेयर n शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ध्यान देना, यहां n शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। एक फेज डिफरेंस 0 वाला भी कंस्ट्रक्टिव देता है, जब पाथ डिफरेंस 0 है तब कंस्ट्रक्टिव। अरे भाई पाथ डिफरेंस 0 का मतलब समझ रहे हो, टी नी 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 नी, दोनों एकदम साथ में पहुंचे, जब साथ में पहुंचेंगे तो फेज में होंगे ना भाई, दोनों एक साथ ऊपर ले जाएंगे, एक साथ नीचे ले जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। पाथ डिफरेंस 0, 0 का मतलब समझ रहे हो कि ये S1 ये S2 पॉइंट पे एकदम बीच में, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है इस तरह से YDSC में, S1 S2 पॉइंट पे एकदम बीच में, S1 S2 पॉइंट पे, तो जितना ये चला उतना ये चला, ऐसे एकदम बराबर डिस्टेंस, तो भाई दोनों किस में रहेंगे, इन फेज रहेंगे, एक ही फेज में, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो यहां पे n 0 से स्टार्ट होता है, वहां n 1 से।
क्या खेल है सारा? सारा खेल है पाथ डिफरेंस का और या फेज डिफरेंस का। फिर से एक बार रिवाइज कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अभी और प्रैक्टिस कराएंगे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में, पहले भी इतना समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। किस पे डिपेंड करती है दोनों चीजें? कॉस फाई पे डिपेंड करती है, यानी कॉस फाई को मैक्सिमम होना चाहिए जो कि होता है वन। कॉस फाई वन कब होता है? जब फाई जीरो, टू पाई, जीरो पाई, सिक्स पाई, यानी टू एन पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस। एन की वैल्यू जीरो वन टू, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। ये क्यों हुआ? पाथ डिफरेंस की वजह से। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फाई, बाय फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स था, तो ये बन गया लैम्डा बाय 2 पाई इनटू, अरे रे 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 चि ऐसा ना करो, ऐसा मत धोखा दो, फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स पढ़ा था चीची, ऐसा मत करो मेरे साथ आता हो। हां तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फाई, फाई की वैल्यू 0 रखी 0, फाई की वैल्यू 2 पाई रखी लैम्डा, फाई की वैल्यू 4 पाई रखी 2 लैम्डा, फाई की वैल्यू 3 पाई 4 पाई 6 पाई रखी 3 लैम्डा। यानी अगर पाई की बात करो तो इवन इंटीजर ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस की बात करो तो सारे इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 0 भी आएगा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सिंपल n लैम्डा, n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिंपल n लैम्डा, ये चीज याद रखनी है YDS में, इसका बहुत यूज होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद कर लो पाथ डिफरेंस विल बी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद कर लो पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा एंड n शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। क्लियर है? गंदगी मच गई, चलो मिटा देते हैं। क्लियर रहेगी ये बात? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा एंड n शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, clear? और destructive interference के लिए path differences थोड़ा सा difference है, delta x is equals to lambda by 2 का odd multiple, n should start from 1, 2, 3, 4, ये बातें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये maximum हुआ, जब path का difference कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कॉस वाई मैक्सिमम हुआ, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। द स्टोरी गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, वेयर आर यू माय फ्रेंड, आई एम हियर, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, वी आर फार अपार्ट। भाई ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये मैक्सिमम हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसीलिए मैंने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। पहले पाथ का डिफरेंस आया जिससे फेस का डिफरेंस आया, जिससे कॉस फाई मैक्सिमम हुआ, जिससे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, क्लियर रहेगा? अब लैम्डा बाई टू टू एन माइनस वन, यानी अगर ऐसे मत सोचो ऐसे, टू एन माइनस वन बड़ा गंदा लगता है, ची 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 ची। लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू, नाइन लैम्डा बाई टू, इलेवन लैम्डा बाई टू, और यहाँ जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, फाइव लैम्डा, सिक्स लैम्डा, सेवन लैम्डा, वहां पे लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा, याद रहेगा ये एन लैम्डा टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू है। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, ऑड लगाते जाओ, लैम्डा बाई टू चिपकाते जाओ, वैसे याद करोगे तो एग्जाम में लिख रहे हैं सर क्या लगाई है। अब आपसे बोलेगा कि उस वेयर इज द सेकंड मिनिमा फॉर्म, सेकंड मिनिमा मतलब होता है कि सेकंड डार्क स्पॉट कहां बनेगा, तो सेकंड डार्क स्पॉट के लिए आप इसमें से उठा लो ये फर्स्ट डार्क है, सेकंड डार्क कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, जब आएगा तब पता चलेगा। बच्चे क्या करते हैं सेकंड डार्क स्पॉट के लिए यहां पे 2 रखेंगे, 2 टू द 4 माइनस 1, 3 लैम्डा बाई टू है, बोला थर्ड डार्क स्पॉट कहां बनेगा, हमें पता है कि पहला डार्क स्पॉट यानी पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लैम्डा बाई टू, दूसरा 3 लैम्डा बाई टू, तीसरा 5 लैम्डा बाई टू। अब बच्चे उसी में क्या करते हैं, तीसरा डार्क स्पॉट यहां पे 3 3 2 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई टू। अब दसवां बारहवां हो छठा सातवां हो तो ठीक है, पहले दूसरे में थोड़ी ना, वेयर इज द थर्ड डार्क स्पॉट फॉर्म, बच्चा वहां 3 की वैल्यू रख रहा है ना रे, याद करने से तीसरा लैम्डा बाई टू पे पहला, 3 लैम्डा बाई टू दूसरा, 5 लैम्डा बाई टू पे तीसरा।
अच्छा ये तो और आसान है, वेयर इज द सिक्स्थ ब्राइट स्पॉट, सिक्स लैम्डा, ये सेंट्रल में होता है, इसको छोड़ दो, ये बताएंगे वो सब तो। अच्छा चलो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी जो मेन चीज हमको आपको याद दिलानी थी वो थी इसी की पार्ट डिफरेंस की, और कुछ चीजें देखते हैं पार्ट डिफरेंस की। कॉस फाई कितना आ रहा है इधर, वन, उधर कितना आ रहा, जीरो, माइनस वन, पार्ट डिफरेंस इधर एन लैम्डा, इधर लैम्डा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। चलो इतनी बातें क्लियर हुई, अब बात करते हैं जरा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कितना आएगा इस केस में, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कितना आएगा, चलो देखते हैं। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि इस केस में cos phi 1 होता है। जरा एम्पलीट्यूड की बात करें, AR square is equals to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, cos phi की वैल्यू रख दी 1, तो ये हो जाएगा बोलो A1 square A2 square 2A1 A2, ये तो A1 plus A2 का whole square है। AR square is equals to A1 plus A2 का whole square, दोनों तरफ root ले लो, so AR is equals to A1 plus A2, plus minus मत लिखना यार, amplitude है, ये amplitude होगा, AR is equals to A1 plus A2, AR is equals to A1 plus A2, intensity की बात करें, इस time intensity कितनी होगी, वो भी निकाल सकते हो आप, intensity कितनी होगी, IR is equals to क्या था, I1 plus I2 plus 2 under root I1 into बोलो 2 root I1 I2 cos phi, cos phi कितना हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये under root I1 plus under root I2 का whole square है, हाँ under root I1 plus under root I2 का whole square, under root I1 plus under root I2 का whole square, IR is equals to under root I1 प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करके चेक कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, इसका भी आप क्या करो रूट ले लो, मतलब ले लिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिंपल ऐड हो जाता है A1 प्लस A2, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, सो cos phi की वैल्यू हो जाएगी -1, यहां पे आप -1 लिखोगे, सो AR square is equals to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2 हो जाएगा, है कि नहीं, 2A1 A2 cos phi, cos phi -1 minus, अब ये माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, A1 minus A2 का होल स्क्वायर, यहां से AR की वैल्यू हो जाएगी A1 minus, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड माइनस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड प्लस होते हैं, ये याद रखना सिंपल, एक पांच दूसरा पांच तो मिलके 10, एक पांच दूसरा पांच तो मिलके 0, यहां बढ़िया 10 वहां 0। अच्छा एम्पलीट्यूड पता है करीब करीब सेम होता है तभी बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ये कहानी फिर सही सोचना इसके ऊपर, जब एम्पलीट्यूड करीब करीब सेम होता है ना तभी मस्त इंटरफेरेंस मिलता है, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस में पढ़ाएंगे। चलो इंटेंसिटी की बात करें, सो IR इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, cos phi कितना है -1, तो यहां पे -1 लगा लो, अब ध्यान से देखो तो ये आपको अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, क्लियर है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की कहानी थी, क्लियर है, मेन फॉर्मूला याद रखो बाकी सब क्लियर रहेगा, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है, ये याद रखना बस, ये जरूर याद रखना, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है एम्पलीट्यूड माइनस। चलो इतना आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम। क्या क्या याद रखोगे, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या क्या याद रखोगे आप याद रखना पहली चीज तो फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई 6 पाई या ऐसे बोल दो कितना 2n पाई, आप याद रखना पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या सीधे बोल दो n लैम्डा, आप याद रखना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR इज A1 प्लस A2,
आप याद रखना रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR is equals to under root I1 plus under root I2 का whole square. क्लियर है? छोटी छोटी बात थी, इतना तो समझ गया था. इंटेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड कैसा है? मैक्सिमम. ए मैक्स एंड आई मैक्स. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए हमारा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी पाई का ऑड मल्टीपल 2n-1 × π. n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से. 1, 2, 3. यहां n कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. पार्ट डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा? अब तो याद हो गया होगा, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, यानी क्या? λ/2 का ऑड मल्टीपल. n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से. एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा रिजल्टेंट? मिनिमम कितना होगा? a1-a2. इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट कैसी होगी? मिनिमम कितनी हो जाएगी? √i1-√i2 का होल स्क्वायर. अब याद रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फेज डिफरेंस 2n पाई, फेज डिफरेंस 2n-1 पाई, ऐसे याद रखो. फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना? इवन मल्टीपल वहां पे, ऑड मल्टीपल. पार्ट डिफरेंस यहां पे इंटीजर ले लो n के साथ, वहां पे λ/2 के साथ ऑड इंटीजर ले लो. ए आर तो बहुत सिंपल, a1+a2 a1-a2. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको याद रख सकते हैं, नोट कर लें. क्लियर एकदम बढ़िया से? अब एक सवाल करेंगे, मिटा दें. A min, and I max, I min. चलो ये क्वेश्चन करो. दो सोर्सेज हैं S1, S2. दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वेव्स के सेम है, दोनों की जो इंटेंसिटी है वेव की डेफिनेटली सेम है, क्योंकि मीडियम भी सेम है. बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में कुछ बात नहीं की. आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड. जल्दी से पॉज करके ट्राई करो खुद से. आसान सवाल है, इसको 5 टर्म्स में लिख लेते हैं. सो AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर cos phi. यहां से बन जाएगा 2a स्क्वायर + 2a स्क्वायर cos phi. यहां से 2a स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 + cos phi. बच्चों 1 + cos 2 थीटा अगर इसको देखें तो कितना बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा. क्या 1 + cos phi को हम 2 cos स्क्वायर phi / 2 लिख सकते हैं? अरे 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला. सो यहां से 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर phi / 2. ठीक है, यहां से स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ हटा दो, रूट ले लो, तो ar = 2 2 की जगह 1 2 बचेगा, है ना? a स्क्वायर की जगह a बचेगा, cos स्क्वायर phi की जगह cos phi / 2 बचेगा. ये बना लो अपने आप, कहानी खेल खेल आसान हो जाएगा. क्या क्या समझ में आ रहा? a स्क्वायर, 2a स्क्वायर cos phi, 2a स्क्वायर कॉमन ली, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर cos phi, 2a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 + cos phi, 1 + cos phi को हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर phi / 2, 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2. फिर हमने बोल दिया ये बन जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लो, तो ar 2 और 2 का 1, 2 a स्क्वायर का a और इसका a. अब यहां से मिनिमम मैक्सिमम निकालना आसान हो जाएगा. इसी तरह से i का भी और फार्मूला बना लेते हैं. ir is equals to i1 + i2 + 2 under root i1 i2 cos phi. ठीक है, दोनों i सेम है. सो ir is equals to i + i + 2 i रूट के बाहर आ जाएगा 2i cos phi. बोलो सही, i1 i2 बराबर थे तो रूट में i स्क्वायर हो जाएगा, वो बाहर आया 2i.
So IR is equals to 2i plus 2i cos phi. यहाँ से 2i common हो जाएगा. IR is equals to 2i common 1 plus cos phi. 1 plus cos 2 theta को लिख सकते हैं 2 cos square theta. So IR is equals to 2i into 2 cos square pi by 2. ये 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ कोई square तो है नहीं. 4i cos square pi by 2. ये स्पेशल एक डेरिवेशन दे भी देता है कई बार बोर्ड में, या आया वो सवाल रहता है, कहता है कि अगर i2 i1 बराबर है i के तो प्रूफ करो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन ये होती है, ये भी पूछा जाता है. इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल देंगे हम. इसमें लिख लो फाइंड सवाल ऐसे लिख लो ar देन a max a min एंड ir i max i min. तो आपने ar निकाल लिया है सर, बोलो क्लियर. a1 square a2 square 2 a1 a2 cos phi, cos phi की जगह अभी कुछ नहीं रखा, बाद में रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम. इस जगह a, इस जगह a, इस जगह ये 2a square common 1 plus cos phi 2 cos square phi by 2. फिर रूट लिया दोनों तरफ, तो 2 और 2 का ये और ये. इस जैसे इंटेंसिटी i1 plus i2 2 root i1 i2 cos phi, फिर i1 जगह i, i2 की जगह i, इनकी जगह i i का square बाहर आया i, 2i common हुआ 1 plus cos phi 1 plus cos phi 2 cos square phi by 2. तो 2 to 4 i cos square phi by 2. अब मिनिमम मैक्सिमम निकालना बहुत आसान है, phi की वैल्यू पुट करो, खेल खत्म. अब बस phi की वैल्यू पुट करो, खेल खत्म हो जाएगा. AR मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए? मान लो हमसे किसी ने कहा मैक्सिमम, मैक्सिमम को पता है cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. या मैक्सिमम पाई देख लेते हैं, पाई कितना रख दे मैक्सिमम में, 0 डिग्री रखते हैं, है 0 टू पाई है ना, जैसे रखोगे cos 0 इज 1, तो मैं AR मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2 है. ये तो बताया था a1 plus a2 मिनिमम 0 आना चाहिए, मिनिमम जब पाई की वैल्यू कितनी हो 180 है ना, पाई डिग्री, तो 180 by 2 कितना हो जाएगा 90, cos 90 इज 0. अरे जो है वही आएगा, मैथ से भी सोच के भी दिमाग से भी इमेजिन करके सब सेम है भाई. इस बार a1 a2 बराबर हो गए, तो जब जुड़ेंगे तो a1 plus a2, जब सबट्रैक्ट होंगे तो a1 minus a2, a plus a2 a minus a0. मिनिमम की पहली कंडीशन क्या है, पाई डिग्री होती है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंफ्यूज हो रहे हैं सर, इतना ढेर सारा पढ़ना दो तीन बार भाई. मिनिमम कब होता है एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में. cos phi की वैल्यू कितनी हो, माइनस वन, मतलब इस टर्म की, तो phi को मैंने pi रख दिया, pi by 2 90. यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम मिलेगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए phi की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 इज 1, तो इंटेंसिटी कितनी आई, 4 आई. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब phi की वैल्यू कितनी हो, pi, तो pi by 2 cos 90, cos 90 is 0, intensity is 0. समझ में आया, ये constructive interference, ये destructive interference. Maximum amplitude, minimum amplitude, maximum intensity, minimum intensity. Clear? चलो आज यहीं पे इस lecture को अब रोकते हैं. मैंने कहा था ज़्यादातर काम भर की बातें, आपको काम भर से काफ़ी ज़्यादा बातें समझ में आ गई हैं. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्लियर हो गया. पार्ट डिफरेंस याद रखना, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, इधर फॉर्मूला एन लैम्डा उधर फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इधर फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी 2n पाई, इधर फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव में कितना होना चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई यानी 2n माइनस 1 इंटू पाई. इस केस में कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम. ये वाला क्वेश्चन इसलिए कराया है बता देते हैं, क्योंकि जब हम लोग वाईडीएसई पढ़ेंगे तो वाईडीएसई में हम लोग दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड सेम मानते हैं, इंटेंसिटी सेम मानते हैं 90% केस में. यानी 90% केस में वाईडीएसई में जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 2a होगा और मिनिमम 0, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होगी मिनिमम 0. इसकी डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में आ जाती है कि i1 i2 अगर आई है तो प्रूफ करो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आएगी, ये डेरिवेशन भी आ जाती है. यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में वाईडीएसई लेके आएंगे. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.